myself Rakesh Kumar, मैथ्स टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैथ क्लास में 8th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आपने पिछली क्लास में एक्सरसाइज नंबर 12.3 कंप्लीट कर लिया था। अब आज एक्सरसाइज नंबर 12.4 का अध्ययन करेंगे। इसमें भी चतुर्भुजों की रचना ही है। अब थोड़ा सा चतुर्भुज कुछ चेंज हुआ होगा। तो पहला नंबर है, एक चतुर्भुज एबीसीडी बनाओ जिसमें एबी बराबर 4.8 सेंटीमीटर, बीसी 3.2 सेंटीमीटर, एडी 5.2 सेंटीमीटर, एसी बराबर 5 सेंटीमीटर और बीडी 5.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमको रफली डायग्राम एक बना लेना चाहिए, चाहे जैसा बना सकते हैं। ए बी सी और डी इस प्रकार से इसमें डाल दिया और जो मीजरमेंट है उसको भी लिख देते हैं। ए बी है आपका 4.8 सेंटीमीटर, बी सी है 6 सेंटीमीटर और सी डी है 5.5 सेंटीमीटर एवं ए डी है 5.20। ए बी बी सी 3.2 सेंटीमीटर, बी सी 3.2 सेंटीमीटर है, 4.8 3.2 ए डी 5.2, ये ए डी है 5.2 और सी डी रे दी गई है। ए सी है आपके पास, ए सी का मेजरमेंट है 5 सेंटीमीटर, बी डी 5.5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले ए बी, ए बी रेखा 4.8 सेंटीमीटर की खींचेंगे। ए बी 4.8 सेंटीमीटर की ए बी रेखा खींच देंगे। अब चूंकि सी बिंदु पहले मिल सकता है या डी भी मिल सकता है, दोनों में से किसी एक को प्राप्त करने के लिए या डी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले ओपन योर कंपास 5.2 सेंटीमीटर रेडियस, अपने प्रकार को पेंसिल लगाकर 5.2 सेंटीमीटर खोल देते हैं और ए पर रखते हैं नुकीला सिरा। ए पर रखने पर पेंसिल इधर कहीं आ रहा होगा तो एक चाप ऐसे लगा लेते हैं। ये चाप कितने का है? 5.2 सेंटीमीटर का। अब बीडी कितना है? बीडी है 5.5। तो अपना कंपास 5.5 सेंटीमीटर ओपन करें और बी पर रखें, नुकीला सिरा बी पर रखेंगे, पेंसिल इधर कहीं आ रहा होगा और उसको इस तरीके से चाप लगा देंगे। ये दोनों चाप एक दूसरे को जहां पर काटते हैं डी बिंदु प्राप्त हो गया। डी को ए से और डी को बी से मिला दिया। इस प्रकार से एक त्रिभुज तो हमारा बन गया। अब सी बिंदु प्राप्त करने के लिए अपने कंपास को, अब ये कितना है? 5 सेंटीमीटर, ए सी 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर ओपन करेंगे, तो ए पर रखेंगे और 5 सेंटीमीटर पेंसिल यहां कहीं आ रहा होगा तो इस तरीके से एक चाप लगा देंगे, नुकीला सिलाई पर रखेंगे और 5 सेंटीमीटर पेंसिल दूर जा रही होगी, यहाँ कहीं आ रही होगी, उससे ऐसे चाप लगा दिया। इसी प्रकार से 3.2 सेंटीमीटर, बी सी कितनी है? 3.2 सेंटीमीटर। तो ओपन योर कंपास 3.2 सेंटीमीटर रेडियस एंड एट पॉइंट बी, अब नुकीला सिरा बी पर रखेंगे, पेंसिल आपका इधर कहीं आ रहा होगा और यहाँ से ऐसे चाप लगा देंगे। ये दोनों चाप एक दूसरे को जहां पर काटते हैं वो सी बिंदु प्राप्त हो गया। सी को बी से मिला दिया और सी को ए से भी मिला दिया, तो इस प्रकार से, और सी को डी से भी मिला दिया। इस प्रकार से हमारा चतुर्भुज ए बी सी डी बनकर तैयार हो गया। बनाने के बाद इसके बाद इसमें रचना के चरण भी लिखेंगे। रचना नंबर 1 डालेंगे,
सर्वप्रथम एबी रेखा 4.5 सेंटीमीटर की खींची, इसमें लिखेंगे। फिर दूसरा नंबर होगा ए को केंद्र मानकर 5.2 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया। इसी प्रकार से 5.5 सेंटीमीटर का चाप बी बिंदु से लगाया, ये दूसरा नंबर हो गया। तीसरा, ये दोनों चाप एक दूसरे को जहां पर काटते हैं डी बिंदु प्राप्त हो गया। फिर चौथा, डी को ए से और डी को बी से मिलाया, तो डी को ए और बी दोनों से मिला दिया। फिर इसके बाद पांचवा है, पांचवे पार्ट में है सी प्राप्त करने के लिए। ए को केंद्र मानकर, बिंदु ए को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया। इसी तरीके से बी को केंद्र मानकर 3.2 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया, ये दोनों चाप एक दूसरे को जहां पर काटते हैं सी बिंदु प्राप्त हो गया। इसके आगे नंबर डालेंगे। सी को ए से और सी को बी से मिलाया तथा सी को डी से मिलाया, इस प्रकार से हमारा अभीष्ट चतुर्भुज ABCD बनकर तैयार हो गया। तो इस प्रकार से रचना भी लिखनी है आपको। अब आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये पहला नंबर था आपका, इस पर क्वेश्चन नंबर सेकंड है। एक चतुर्भुज ABCD बनाओ जिसमें AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC 5 सेंटीमीटर, AC 6 सेंटीमीटर, AD 4.26 सेंटीमीटर और BD 3 सेंटीमीटर। तो ये बिल्कुल सेम उसी तरीके का है जैसा पहला है वैसा ही दूसरा। अब चौथे की बात करते हैं। एक चतुर्भुज ABCD बनाओ जिसमें AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर, CD 5.5 सेंटीमीटर, AC 4 सेंटीमीटर और BD 4.6 सेंटीमीटर, सभी एक जैसे हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 और बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक चतुर्भुज ABCD ऐसे बना दीजिए, ABC और D, ये नकली डायग्राम है और जब तक नकली डायग्राम आप नहीं बनाएंगे तब तक कंस्ट्रक्शन में आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और BC 6 सेंटीमीटर, CD 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर और AC 4 सेंटीमीटर, BD 4.6 सेंटीमीटर, EC 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और BD है आपका 4.6 सेंटीमीटर, 4.6 सेंटीमीटर। इस प्रकार से रफली डायग्राम हमने बना दिया। अब रफली डायग्राम बनाने के बाद सबसे पहले हम AB रेखा खींचेंगे। AB रेखा कितनी खींचेंगे, स्केल से पटरी पेंसिल और प्रकार का ही यूज करेंगे। तो AB रेखा 5 सेंटीमीटर के खींची, 5 सेंटीमीटर। अब हमको पहले डी बिंदु प्राप्त नहीं हो सकता है क्योंकि AD की माप नहीं है हमारे पास, तो सबसे पहले हम सी बिंदु प्राप्त करेंगे। तो ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाएंगे। तो ओपन योर कंपास, 4 सेंटीमीटर रेडियस, पेंसिल लगाइए प्रकार में और 4 सेंटीमीटर खोल दीजिए। एंड पॉइंट ए पर रखेंगे पॉइंट या प्रकार का नुकीला सिरा, 4 सेंटीमीटर का एक चाप इधर लगाएंगे, इधर ऐसे रख करके और एक ऐसे चाप लगाएंगे। तो अब BC बिंदु प्राप्त कर रहे हैं, तो BC कितना, 6 सेंटीमीटर। B को केंद्र मानकर अब 6 सेंटीमीटर अपना कंपास ओपन करेंगे और B को केंद्र मानकर इस तरीके से एक चाप लगाएंगे और इस चाप को भी ऐसे आगे बढ़ा लेंगे। जहां पर ये दोनों चाप एक दूसरे को काट रहे हैं, इस सी बिंदु प्राप्त हो गया, सी को ए से और सी को बी से मिला दें, ये 6 सेंटीमीटर हो गया और ये 4 सेंटीमीटर हो गया, 4 सेंटीमीटर।
अब हमको डी बिंदु प्राप्त करना है। डी बिंदु प्राप्त करने के लिए 4.6 सेंटीमीटर का पी से एक चाप लगाना है। तो पहले और कंपास 4.6 सेंटीमीटर रेडियस, एक पॉइंट बी पर रखेंगे और एक चाप लगाएंगे, वो इधर नहीं आ रहा हो, कितना 4.6 सेंटीमीटर का चाप लगाया। अब सी से यहां से 5.5 सेंटीमीटर का एक चाप, यानी ओपन योर कंपास 5.5 सेंटीमीटर रेडियस, एट पॉइंट सी और मिला सिला सी पर रखेंगे और इस तरीके से इसको यहां पर इंटरसेक्ट करेंगे। जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगे ये आपको डी पॉइंट मिल जाता है। डी को ए से, डी को बी से और डी को सी से मिला देंगे तो इस प्रकार से हमारा एक चतुर्भुज ए बी सी डी बनकर तैयार हो जाता है। इसके बाद इसके नीचे रचना के चरण लिखेंगे। ये तो आपने चित्र बनाया और जैसा बनाया है वैसा इसमें पॉइंट वाइज रचना के चरण जरूर लिखेंगे। रचना के चरण लिखने के बाद ठीक तभी इसको पिंट करेंगे। हर एक जो भी फिगर बनाएंगे उसके नीचे बनाने के लिए रचना के चरण जरूर लिखेंगे। तो बच्चों एक्सरसाइज नंबर आपका 14.12.4 कंप्लीट हो गया। अब आपको मैंने 1 और 4 बताया है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपको स्वयं करने हैं, वो ऐसे ही हैं, स्वयं करने बिल्कुल इसी तरीके के हैं। ये दो तो पहले वाले जैसा है और दूसरा तीसरा क्वेश्चन जो है वो आपका चौथे वाले जैसा है। तो इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।